भारतीय पुलिस स्मृति दिवस पर दी श्रद्धांजलि खैर दल। भारतीय पुलिस स्मृति दिवस पर शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय पर शनिवार को शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वीरंगनाओं का शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। पुलिस लाइन प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने शहीदों के नाम पत्र वाचन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुलिस के उन सभी जाबाज जवानों को सलामी दी। सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय सीमा पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे वीर शहीदों की वीरता, अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में शहीदों को शोक सलामी दी गई। जवानों ने उल्टे हथियार कर 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम सिंह, DSP सुरेश कुड़ी सहित खैरथल, मुंडावर, ततारपुर के थानाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम समाप्ति पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने पूर्व पुलिस अधिकारियों, शहीद वीरांगनाओं से बात करते हुए कहा शहीदों की याद में पौधारोपण किया। इस मौके पर मुंजावर तहसील के श्याखो निवासी शहीद पुलिस जवान पुलिस शहीद दिवस जो है प्रत्येक साल हम आज की तारीख पर जो कैलेंडर ईयर है हमारा उसमें जो भी लोग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड CAPF जो भी संस्था है RPF उनमें जो शहीद हुए हैं उनका हम नाम पढ़ते हैं और उनके सम्मान में उस अर्जित उस चक्र चढ़ाते हैं शहीदों के नाम और फायरिंग करके 2 मिनट का साइलेंस भी करते हैं। ये सारी प्रक्रिया है उनके सम्मान के लिए, वो हर साल की तरह आज भी किया गया। नहीं, कार्यक्रम के तहत क्या क्या आयोजन हुए आज? जैसे ये कार्यक्रम शोक का है, इसमें ऐसे कोई कार्यक्रम होते नहीं, जैसे महिलाओं का सम्मान वगैरह। ये वीरांगना है तो एक हमने सम्मान रूप में इनको एक शॉल उड़ाया। आज पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। हाँ, पौधारोपण का ये एक पार्ट है जो कि सभी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पुलिस शहीद दिवस कब से मनाए जा रहे हैं? 1959 में जो लेह लद्दाख में जो है हमारी टुकड़ी का शहीद हुआ था, आज भी वहाँ पर पुलिस शहीद स्मारक है, उसी के उपलक्ष में आज तक हम देश में पुलिस शहीद दिवस मनाते हैं। अपना काम निष्ठा से करें, अगर मौका मिलता है तो जो सर्वोच्च है आप अपना बलिदान भी दे रहे हैं देश के लिए, इससे बड़ा और क्या फक्र की बात होगी पुलिस के लिए।